मेरे मित्र और भारत सरकार में पेट्रोलियम और स्किल डेवलपमेंट विभागों को नेतृत्व देने वाले एक सफल मंत्री श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे दूसरे एक मित्र और मुंबई में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष पद का दायित्व निभाने वाले और एक ऊर्जावान विधायक आशीष शेलार जी, राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा और भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चे के अध्यक्षा विजया राहटकर जी, प्रबोधिनी के महानिदेशक रविंद्र साठे जी, रवि पोखरणा जी, सामने बैठे हुए सभी मान्यवर, निर्मलाताई आपटे जी, बाकी सभी प्रदेशों से आए हुए मान्यवर और उपस्थित भाइयों और बहनों, आज 10 दिसंबर ये मानव अधिकार दिवस है और विश्व मानव अधिकार दिवस जब हम मनाते हैं तब मानव अधिकार को केवल संकुचित दायरे में देखने की जो एक आदत है उससे बाहर निकलकर मानवाधिकार के जो विभिन्न सारे पहलू है उनका चिंतन करना भी आवश्यक होता है। मैं मानता हूं कि जिस पद्धति से उज्ज्वला योजना के कारण, जैसे कि हमने फिल्म में देखा कि हमारे देश की करोड़ों महिलाओं को एक सम्मान का अधिकार भी मिला है, सुरक्षा का अधिकार भी मिला है और मैं मानता हूं कि मानवाधिकार की परिधि में सम्मान का, आत्मसम्मान का भी अधिकार है और आत्म सुरक्षा का, आत्मरक्षा का भी अधिकार है और इसलिए आज के दिन इस तरीके की परिषद का होना अपने आप में एक बहुत सार्थक प्रयास है, ऐसा मैं मानता हूं। आपल्याला माहिती असेल की आपल्या देशामध्ये अनेक प्रकारच्या योजना राबवल्या जातात आणि त्या योजनेच्या संबंधात ज्यावेळी आकलन निर्माण होतं, काही ना काही अभ्यास होतो, आढावा घेतला जातो, त्यावेळी असं लक्षात येतं की प्रत्येक योजनेचा जो काही वांछित परिणाम आहे तो तर होतोच पण त्याच्या पलीकडे इतरही अनेक परिणाम होतात। अशी ती बहुपरिवर्तनकारी अशा बऱ्याच योजना असतात ज्याला इंग्रजीमध्ये कास्केडिंग इफेक्ट असं म्हटलं जातं। गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदी हे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी ग्रामीण भागामध्ये विजेचा पुरवठा अव्याहतपणे 24 तास व्हावा याकरता एक योजना आणली आणि त्या योजनेचा आमच्या कार्यकर्त्यांनी अभ्यास केला होता, सुमारे 10 वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे। मी स्वतः अशा एका अभ्यास पथकामध्ये बडोद्याजवळच्या एका खेड्यात गेलो होतो आणि त्या खेड्यातल्या ग्रामीण आरोग्य केंद्राच्या कार्यकर्त्यांनी मला सांगितलं की वीज पुरवठा अव्याहतपणे 24 तास उपलब्ध झाल्यामुळे आमच्या गावातलं पोलिओग्रस्त मुलांचं प्रमाण जे आहे ते खूप झपाट्याने खाली आलं आहे। आता विजेचा आणि पोलिओचं प्रमाण कमी होण्याचा काय संबंध आहे? तर वीज पुरवठा अव्याहतपणे 24 तास मिळाल्यामुळे ग्रामीण आरोग्य केंद्रात ज्या रेफ्रिजरेटरमध्ये पोलिओची लस ठेवली जाते तो रेफ्रिजरेटर से देखील 24 तास चालला आणि तो 24 तास चालल्यामुळे त्या लसीची जी क्षमता आहे ती टिकून राहिली आणि त्यामुळे त्या लसीचा परिणाम चांगला झाला, जेणेकरून पोलिओचं प्रमाण त्या त्या गावातलं हे कमी झालं। त्यामुळे एका विशिष्ट उद्देशाने केलेल्या गोष्टीचे किंवा आखलेल्या योजनेचे बहुआयामी परिणाम असतात, बहुपरिवर्तनकारी अशा प्रकारचं त्याचं एक स्वरूप आपल्याला दिसतं आणि मला असं वाटतं की उज्ज्वला योजना ही अशी एक बहुपरिवर्तनकारी योजना आहे आणि म्हणून या योजनेचं स्वागत करताना, त्याचा अभ्यास करताना, त्याचा आढावा घेताना मला आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा वाटतो की या योजनेमुळे आणि आमच्या सर्वेक्षणात गेलेल्या कार्यकर्त्यांना याचा अनुभव आला की आतापर्यंत अब तक हमारे देश में जो रसोई घर है वो एक दृष्टि से महिला के लिए आरक्षित था, शहरों में भी है, ग्रामीण अंचलों में भी है, मगर जैसे रसोई गैस आया है महिलाओं ने कहा कि कुछ मात्रा में अभी पुरुष भी अपनी अपनी कम से कम चाय बनाने के लिए अभी रसोई घर में आ रहा है। तो महिला के ऊपर जो थोपा गया ये आरक्षण है एक दृष्टि से मैं मानता हूं कि वो भी समाप्त होने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और महिला अब रसोई घर के बाहर आकर एक परिपूर्ण व्यक्ति के रूप में जिंदगी जीने का रास्ता अपना रही है। ये भी मैं मानता हूं कि इस पूरी योजना की सफलता का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैं
महाराष्ट्र में कुछ म्हाळगी प्रबोधिनी के संदर्भ में कुछ महिला संगठनों के साथ जब मिल रहा था, कुछ साल पहले की बात है, और धर्मेंद्र जी के साथ मैं शेयर करना चाहता हूं कि यहां पर सोलापुर जिले में एक माता बालक विकास प्रतिष्ठान नाम से संस्था काम करती है। हम उनके कार्यकर्ताओं के साथ बात कर रहे थे, ग्रामीण अंचलों के थे, तो संस्था का नाम ही माता बालक विकास प्रतिष्ठान है। तो हमने पूछा कि इसमें पिता का क्या है, केवल माता और बालक का विकास होने से क्या होगा। तो कुछ चर्चा हुई, मगर एक ग्रामीण महिला ने, बड़ी तेज तर्रार थी, उसने बड़ा स्मार्ट जवाब दिया जो वास्तविक था। उसने कहा कि ये जो माता बालक तक हमने सीमित इसलिए रखा है क्योंकि जो पिता है वो पीते पीते कहां चला गया हमें पता ही नहीं। तो ये भी वास्तविकता है, और इसलिए मैं मानता हूं कि पिता को भी घर के और रसोई के कामों में कुछ न कुछ योगदान देना, शायद, मैं बड़ा संभल कर बोल रहा हूं, शायद अभी ये रसोई गैस आने के कारण संभव होने की दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं, और इसलिए भी मैं मानता हूं कि इसका एक महत्व है। आशीष जी ने अपने भाषण में उल्लेख किया था कि किस तरीके से लोगों ने गिव इट अप के माध्यम से सब्सिडी का त्याग किया। मैं मानता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं कि विकास ये कोई सरकारी कार्यक्रम मात्र बनकर नहीं रहना चाहिए, ये एक मूवमेंट होनी चाहिए, तो उसमें जनसहभागिता का अपना एक महत्व है, और इस पद्धति से गिव इट अप के माध्यम से हमारे देश में एक जनसहभागिता सरकारी कार्यक्रम के धरातल पर, सरकारी कार्यक्रम की जो अपनी पद्धति है उसके अंदर सुनिश्चित करने का एक अच्छा उदाहरण इस सरकार ने और इस मंत्रालय ने प्रस्तुत किया है। धर्मेंद्र जी यहां पर उपस्थित है, मैं प्रबोधिनी के हमारे सारे कार्यकर्ताओं की ओर से उनके प्रति आभार तो व्यक्त करूंगा ही, मगर एक विशेषता मुझे जो ध्यान में आ रही है कि सामान्यतः पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जैसा मंत्रालय, ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मंत्रालय माना जाता है, जैसे हाईवेज का मंत्रालय है, रेलवे का मंत्रालय है, उसी तरीके से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय, इसको इंफ्रास्ट्रक्चर का मंत्रालय माना जाता है। मगर प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धर्मेंद्र जी और उनके सहयोगियों ने जिस पद्धति से उज्ज्वला योजना को अंजाम दिया है, मैं मानता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ जोड़ने का एक अनोखा प्रयास इस उज्ज्वला योजना के माध्यम से हुआ है, और इसलिए उसकी सराहना उस कारण से भी करनी चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जब होती है तो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए भी स्वाभाविक रूप में एक अवसर मिलता है, गति मिलती है, और उज्ज्वला योजना उसका सबसे परिणामकारक उदाहरण है, ऐसा मैं मानता हूं। ये परिषद आज होगी और दो तीन विषयों पर हम प्रतिभाव लेंगे। जो बहने आई है सुदूर ठाणे रायगढ़ क्षेत्र से भी आई है, अन्य अन्य प्रदेशों से भी आई है, उनके विचार भी हम जानेंगे, और मैं मानता हूं कि ये जो वंचित अवस्था से विकास की ओर ये जो यात्रा चली है उसको और अधिक गति देने में आज यहां पर होने वाला मंथन निश्चित रूप में कारगर साबित होगा। मैं पुनः एक बार धर्मेंद्र जी, आशीष जी, विजया तैराहटकर, अभी अभी हमारे मध्य में प्रबोधिनी के प्रबंधन परिषद की एक सम्मानित सदस्य श्रीमती रेखा महाजन भी उपस्थित हुई है, सबका स्वागत भी करता हूं, सबके प्रति आभार भी व्यक्त करता हूं, और मेरा अध्यक्षीय भाषण समाप्त करता हूं।